वो कैंडल को इसके अंदर डाल देता हूँ। अब क्या हुआ, हम इसको अच्छे से बंद कर देते हैं ताकि अंदर वैक्यूम क्रिएट हो। अब देखो इसमें कैसे बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। वाटर में बबल्स क्रिएट होने शुरू हो चुके हैं और मैंने इसको ऐसे नीचे रख दिया। अभी कैंडल तब तक जलेगा जब तक इसके अंदर की पूरी ऑक्सीजन यूज्ड अप नहीं हो जाती। धीरे धीरे अंदर पूरे पार्टिकल्स फैल रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ चुकी है। अब देख रहे हो कैसे वाटर इसमें राइज कर रहा है ना मैजिक। देखो वाटर कितनी जल्दी से राइज किया इसके अंदर। तो ये था चार लोगों का एक डेमोंस्ट्रेशन।